देखो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर ना। यस सर। क्वेश्चन दिया गया है पहली पंक्ति 1 1 1 और दूसरी पंक्ति है ए बी सी, तीसरी पंक्ति है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, है ना। उसके बाद जो आरएचएस पर दिया है उसमें है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ध्यान देना कायदे से। तो सबसे पहले एलएचएस पर उतार लें, एक 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 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो ध्यान से जरा इधर देखो, पहली पंक्ति में सारे पद एक 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 हैं, तो पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को घटा लें, ठीक, जीरो हो जाएगा एक। वैसे दूसरे और तीसरे को घटा दें तो एक जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, C1 change to C1 minus C2 और C2 change to C2 minus C3। तो घटाएंगे तो क्या होगा, C1 चेंज कर रहे हैं तो एक माइनस एक कितना होगा, जीरो। फिर A माइनस B तो A माइनस B हो जाएगा। फिर A क्यूब माइनस B क्यूब करेंगे तो A क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक। उसके बाद इसमें घटाइए तो एक माइनस एक जीरो, फिर घटाएंगे तो बी माइनस सी, ये घटा दें तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्योंकि तीसरा स्तंभ चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको वैसे लिख दो एक सी और सी क्यूब, ठीक। देखो जरा ध्यान से, तो पहले वाले स्तंभ से ए माइनस बी कॉमन ले लें, ठीक। अच्छा देखो जरा, जब ए माइनस बी कॉमन लेंगे वैसे ही दूसरे वाले स्तंभ से बी माइनस सी कॉमन है, तो जब यहां से कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पे जीरो, यहां पे बचेगा एक, और यहां से क्या बचेगा, क्योंकि देखो जरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। तो जब a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो यही तो बचेगा, तो यहां बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैसे अब दूसरे वाले स्तंभ से b माइनस सी कॉमन ले लें तो यहां तो जीरो है, ठीक, जीरो क्या है, जीरो क्या है, भगवान, है ना, सब कुछ उसमें है। b माइनस सी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एक। यहां से ऐसे ही जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है वैसे बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर क्या होगा, एक ब्रैकेट में बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है ना। तो बी माइनस सी कॉमन हो गया तो क्या बचा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी सी। तो इस सिस्टम को ऐसे लिख दीजिए 1 C C क्यूब, क्लियर, ठीक है ना। नोट करते रहो फटाफट। तो एक बार फिर से चेंज कर ले, एक बार फिर से घटा दे, तो C1 change to C1 minus C2, ठीक। तो बाहर पहले से हमारे पास a माइनस बी और b माइनस सी है, तो घटाओगे तो क्या होगा, जीरो से जीरो घटेगा तो जीरो, एक से एक घटाएंगे तो जीरो। अच्छा अब इस वाले पद से इस वाले पद को घटाओगे तो, ध्यान से देखने दे रहा, देखो हमें घटाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से घटाना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी को, ऐसे करोगे बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस के चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी। तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट गए, ठीक। तो देखो जरा बचा क्या, ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस सी। वैसे ए बी
और ये माइनस बीसी में से बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। क्लियर? तो ए माइनस सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए प्लस सी और प्लस बी। ठीक है ना? तो यहां क्या लिखेंगे, ए माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। अब अगली पंक्ति जो है, अगला स्तंभ जो है वो जीरो एक और है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। और जो तीसरा स्तंभ है वो है एक सी और सी क्यूब। ठीक ठीक है ना? तो ध्यान से देखो जरा यहां पे। तो यहां पे जो हमें सिद्ध करना है उसमें c माइनस ए है। ठीक। तो यहां से हम c माइनस ए कॉमन ले लें, है ना, माइनस छूट जाएगा अंदर और a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों पर जीरो, तो जीरो में सब कुछ कॉमन हो जाएगा। तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर पहले से हमारे पास है a माइनस बी बी माइनस सी, तो यहां से कॉमन ले रहे हैं c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो क्या बचा, तो ये जीरो ये जीरो, यहां से क्या बचेगा माइनस एक। देखो इधर a प्लस बी प्लस सी निकल गया पूरा, यहां से a माइनस सी में से हमने c माइनस ए कॉमन लिया तो a माइनस माइनस एक बच गया। ठीक। अगला स्तंभ है जीरो एक और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी, और तीसरा स्तंभ है एक सी सी क्यूब। ठीक है ना? इसका प्रसार कर ले, देखो जरा। तो क्या है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो प्रसार करेंगे, पहला जीरो दूसरा जीरो, तो यहां से कर ले एक से, तो क्या होगा इंटू वन इंटू, तो इसकी गुणा होगी जीरो, फिर माइनस इसकी गुणा माइनस एक, तो प्लस एक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी और ये एक हो जाएगा। तो आर एच एस प्रूव्ड। ठीक, नोट करिए फटाफट। अगला देखो क्वेश्चन, हो गया बेटा रे, क्वेश्चन नंबर 18। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, उसके बाद है बी माइनस सी सी माइनस ए ए माइनस बी, उसके बाद है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर जीरो। तो LHS, तो सबसे पहले LHS को उतार लीजिए, तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, फिर है b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो इसमें जरा, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ध्यान देना जरा, अगर तीनों को जोड़ दें, चाहे इस तरीके से जोड़ें या फिर इस तरीके से जोड़ें, ठीक, तो क्या होगा, b और d कट जाएगा, c कट जाएगा, a और a भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो। वैसे अगले वाले पद में देखो, b और b कटेगा, a कटेगा, c और c कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे इसमें भी तीनों जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक जब एक पंक्ति एक स्तंभ जीरो हो जाएगा तो सारणी का मान जीरो होता है, है ना। तो क्या लिखेंगे कि R1 चेंज टू
आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो इन तीनों को जोड़ दें, ठीक। तो जीरो जीरो और जीरो, ये वैसे उतार लीजिए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। यहां लिख दे चूंकि आर वन की सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा, तो बराबर जीरो। RHS प्रूफ, ठीक। कुछ कम दिखाई दे रहा था, डाल लीजिए। नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, दिया गया है x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 3a, उसके बाद है x प्लस 2a, फिर x प्लस 3a, x प्लस 4a, उसके बाद x प्लस ए, x प्लस 2a, x प्लस 4a है, उसके बाद है x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 5a, उसके बाद है x प्लस 3a, x प्लस 4a, x प्लस 4a, x प्लस 6a बराबर जीरो। तो LHS पर उतार ले, तो x प्लस a, x प्लस 2a, फिर x प्लस 4a, फिर x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 5a, इधर से x प्लस 3a, x प्लस 4a और x प्लस 6a, ठीक। देखो जरा ध्यान से, इनको आपस में घटाते चले, देखो जब ऐसे घटाएंगे तो x और x कट जाएगा, यहाँ a माइनस 2a होगा, माइनस a आ जाएगा, वैसे यहाँ x कटेगा 2a में से 3a घटेगा तो माइनस a, वैसे x x कट जाएगा 4a में से 5a घटेगा तो माइनस a, याद रखना, इधर घटाएं तो x और x कटेगा, 2a में से 3a घट जाएगा तो माइनस a, फिर x कटेगा 3a से 4a घटेगा तो माइनस a, x और x कट जाएगा 5a में से 6a घट जाएगा तो माइनस a, दो स्तंभ बराबर हो जाएंगे, और दो स्तंभ बराबर हो गए तो फिर सूत्र बन जाएगा, क्या लिखेंगे कि c1 चेंज टू c1 माइनस c2 और c2 चेंज टू C2 माइनस C3, घटाइए इनको, तो ये हो जाएगा माइनस A, माइनस A, माइनस A, इसमें घटाएंगे तो माइनस A, माइनस A और माइनस A, बाकी तीसरा स्तंभ लिख दीजिए ऐसे ही, X प्लस 3A, X प्लस 4A और X प्लस 6A, दीपक पटेल शांत रहो, यहाँ पे लिखे चोगी C1 बराबर C2, इसलिए जी।
आर एच एस प्रूव्ड। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह से है। देखो जरा 20वां क्वेश्चन 16 नंबर की तरह से है। नोट कर लेना, कर लोगे इसे छोड़ दें। अगला अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बताया गया है माइनस वन कॉस सी और कॉस बी। इसके बाद है अगला स्तंभ है कॉस सी माइनस वन फिर है कॉस ई। अगला स्तंभ है कॉस बी कॉस ए माइनस वन बराबर जीरो। और ऊपर पहले ही कहा गया कंडीशन यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो सिद्ध कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले एलएचएस पद उतार लें। क्या माइनस वन कॉस सी कॉस बी फिर कॉस सी माइनस वन कॉस ए कॉस बी कॉस ए और माइनस वन। देखो इसमें प्रगुण लगाने का कोई खास फायदा तो मिलेगा नहीं, है ना? कोई खास फायदा है नहीं, तो सीधे सीधे प्रसार कर लें इसका। ध्यान देना जरा, तो क्या होगा माइनस वन इंटू, तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में वन है वो पंक्ति और स्तंभ छोड़ दें। ठीक, तो क्या होगा इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा माइनस एक माइनस एक की गुणा एक फिर माइनस कॉस ए और कॉस ए की गुणा तो कॉस स्क्वायर ए। फिर अगला पद लेंगे माइनस का कॉस सी, ठीक है ना? अब ये नहीं, अब ये वाला स्तंभ चला जाएगा, है ना? तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है ना? तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का कॉस सी फिर माइनस, और जब इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए और कॉस बी। क्लियर? अच्छा अब अगला स्तंभ ले लीजिए, अगला पद तो प्लस कॉस बी, तो अब की बार ये स्तंभ चला जाएगा तो इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ, तो जब इनकी इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए और कॉस सी। फिर जब इससे करेंगे तो माइनस, क्योंकि ये माइनस का आएगा कॉस बी तो ये जाएगा प्लस कॉस बी। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर, या तो फिर ऐसे ही अभी लिख लीजिए बाद में चेंज कर लेंगे। देखो जरा, तो ये माइनस से गुणा करेंगे माइनस एक से तो ये माइनस एक हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना? फिर इसमें गुणा करें प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, इससे करेंगे तो प्लस का तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। ठीक, इसमें गुणा कर लो प्लस का कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, इससे गुणा करें तो प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यहां पे चेंज कर ले ज्यादा सही था। देखो जरा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना? तो जितने भी स्क्वायर वाले पद हैं उनको एक पास कर ले, तो जैसे ये माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी
और प्लस कॉस स्क्वायर सी और प्लस तो टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। देखो इस प्रकार से स्क्वायर वाले दो फार्मूले थे, एक फार्मूला था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, क्या होता था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और एक फार्मूला होता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था, तो होता था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर ध्यान देना जरा, कॉस स्क्वायर अगर इसको हम ए मान के चले और इसको बी मान ले तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, तो इनको एक पास पहले ब्रैकेट में लिख लें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ई, ठीक है ना। उसके बाद प्लस ये कॉस स्क्वायर सी और प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। तो जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी वाला, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी माइनस ई, वैसे ही प्लस कॉस स्क्वायर सी और प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी। क्लियर, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हमें पहले इसमें बताया गया था कि ए बी सी त्रिभुज के कोण है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है 180 अंश, यहां लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो अगर हम ए प्लस बी का मान निकालें तो कितना आएगा 180 माइनस सी, जो हम यहां पे मान लगा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस सी इंटू कॉस, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस बी माइनस ए को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक, तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी और प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ठीक है। और कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, उसके बाद है प्लस कॉस स्क्वायर सी और प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ठीक है ना। तो यहां से कॉस सी कॉमन ले लें, तो माइनस कॉस सी कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा क्या कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस सी, और अगला पद है प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ठीक। अच्छा फिर वैसे ही एक बार आप लोगों को पता है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, अगर हम यहां से सी का मान निकालें कितना होगा सी बराबर तो 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है, ये सी का मान यहां लगा दें तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस, तो यहां लिखेंगे 180 माइनस ए प्लस बी और प्लस टू कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, ठीक, ये सब नोट हो गया नीचे का, तो ध्यान देना जरा यहां पे, तो ये है माइनस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, फिर यहां पे फॉर्मूला लगेगा तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा से, तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी, है ना,
क्योंकि कॉस ए प्लस बी और इंटू नहीं प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर होता है टू कॉस ए कॉस बी, है ना। तो जब इनकी गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। और दूसरे में जो पद था वो टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी है, तो एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, दोनों कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना।